गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रामपुर। वेलकम बैक टू माई चैनल टूरिंग लाइफ। तो कैसे आप सब लोग? भारी अपुन भी लाइव भारी। तो सुबह के 8 बज रहे हैं, आज मैं निकल रहा हूँ चिटकुल के लिए। चिटकुल यहाँ से है 119 किलोमीटर और गूगल मैप में टाइम बता रहे 4 घंटा 11 मिनट लगेगा, पर हम पकड़ के चलते हैं कि एक 6 घंटा या 6.5 घंटा तो लग सकता है, क्योंकि बीच बीच में ब्रेक लेते हुए जाऊँगा। और आज किन्नौर भी लगेगा हमको, तो किन्नौर में जो रॉक टनल है वो भी आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो बस यहाँ से निकलना भी कैसा है ना, ये देखो वो सामने रोड है और ये नीचे के साइड में होटल है। अभी लगेज ऊपर लेके जाना मतलब बहुत ही बेकार हालत हो जाएगा। तो अभी किसको तो बुलाता हूँ पहले, अगर कोई है तो, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे ना कभी कोई होटल में कोई भी स्टाफ अवेलेबल नहीं होते, तो खुद को ही लेके जाना पड़ता है। अगर कोई है तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो सांस खुल जाएगा। गणपति बाप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य, ओम साई राम। अभी 8:30 बजे हमारी राइड की हो गई शुरुआत। 119 किलोमीटर कितना सुनने के लिए कम लगता है ना, पर ये बस सीधे सीधे हाईवे के लिए ही सही लगता है, पहाड़ों के लिए नहीं। मक्खन रोड ये सामने आ गया जो एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग, और यहाँ पे मस्त पानी आ रहा है झरने का, तो लोग गाड़ी भी धो रहे, हम थोड़ा साइड से ही जाएंगे। कल रात को 8 बजे मैंने डिनर कर लिया था, तो अभी सुबह सुबह ना इतना ज़ोर से भूख लगा है ना, अभी होटल में रेस्टोरेंट था वहाँ पे कॉल किया तो उन्होंने बताया कि 8:30 बज जाएगा। फिर मैंने कहा यार 8:30 बज जाएगा, उससे अच्छा तो वही मैं राइड स्टार्ट करके बीच रास्ते में खा लूँगा। ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, इन लोग कार भी क्या चलाते हैं ऑफ रोड में से यार, इनको डेली का आदत रहता है, ये ऐसा 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 उठ कर निकल जाते। हेलो बाय बाय। यहाँ से 1 किलोमीटर बाद एक पेट्रोल पंप आएगा, मेरा टंकी तो ऐसा फुल है, एक ही पॉइंट कम है, फिर भी मैं फ्यूल अप कर दूंगा। और मैंने 1 लीटर का बॉटल भी रखा है खाली करके, उसमें भी पेट्रोल भरूंगा। वैसे यहाँ से कुछ 71 किलोमीटर पे सांगला है, और सांगला में पेट्रोल पंप है, पर लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, सांगला में हम गए और वहाँ पर पेट्रोल पंप चालू था पर पेट्रोल नहीं था, तो ऐसा कुछ कभी कभी हो जाता है। तो पहाड़ों पे जहाँ पे भी पेट्रोल पंप दिखेगा, 1 या 2 पॉइंट भी कम होना तो भी फ्यूल अप कर देना। कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया। मस्त मस्त। हम तो क्या, हमको क्या चाहिए यार, पहाड़ों पे आके राइड करेंगे तो और मजा आता है, पहाड़ों पे राइडिंग का फीलिंग पूरी है। हाँ ना यार, क्योंकि क्या है ना, हम जहाँ पे रहते वहाँ पे इतना शोर होता है ना, इतना स्पीड होता है ना, बहुत ज्यादा, और यहाँ पे कैसा एकदम सुकून है। तो बस 15-20 दिन हम एकदम अच्छे से जी लेते, वैसे तो हर दिन ही जीते पर ये अच्छे से जीते। उस टाइम कुछ फीलिंग अलग होती है। हाँ हाँ सही बात है, सही बात है। ये ले लो सर जी, सोका डालना। ये एक एक्स्ट्रा बॉटल मैंने रखा है, ये आज फुल करके लेता हूँ, फिर और 1-2 बॉटल कल से रखूँगा। सोका कर दो भैया। सामने एक छोटा सा वाटरफॉल है, अभी इतना ज़्यादा ही पानी नहीं है। देवभूमि किन्नौर में जिला प्रशासन आपका स्वागत करता है। तो किन्नौर में भाई हम आ चुके हैं, अभी आगे कुछ किलोमीटर पे ही आएगा रॉक टनल। ये एक साइड में पत्थर भी कितना मस्त लग रहा है, ये देखो जी, ये ऐसी कुछ लैंडस्लाइड यहाँ पे होते रहते हैं। इन वादियों में टकरा गए है। ओहो, तो वाटरफॉल फाइनली हमको दिख गया है, क्या बात है क्या बात है। लोग वहाँ पे गाड़ी भी वॉश करते, वो झरने के नीचे जाके गाड़ी लगा देते, गाड़ी वॉश फ्री में। हाँ सर जी, ओके। तो अभी यहाँ पे एंट्री करना, MH 04 9494। क्या नाम है आपका? प्रतीक सुरवे। चलो जब यहाँ पे आओगे तो आपका घर का एड्रेस आपको देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर, कहाँ से आए हो, कहाँ से जाओगे। अभी ये जो सामने का सीन है ना, ये देख के थोड़ा डर भी गया मैं, तो अभी क्या लैंडस्लाइड हुआ है या फिर लोगों ने निकल के रखा है, क्योंकि ऐसे काम चलते रहते। तो ये भाई साहब से मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि ये 4-5 महीने पहले लैंडस्लाइड हुआ है, ये पूरा रोड बंद था। तो ये देखो पहाड़ों पर है ना, रिस्क भी बहुत है। मैं जी मुंबई से। कहाँ जा रहे? हाँ
ये रहा जी अपना बघीरा, ये रहे पहाड़, और ये रहा जी हमारे पीछे रॉक टनल। ये बहुत साल पहले की बात है, ये पूरा पत्थर का ही पहाड़ था, फिर इसको बीच में से ऐसा काटा गया और रोड बना है। भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैंने वो सामने जो ढाबा है ना वहाँ से लिया है। क्या लगता है यार ये टनल पर, एकदम बड़ा भी टनल नहीं छोटा ही टनल है, पर बीच में से जो रोड जा रहा है ना क्या लग रहा है भाई, एक नंबर। यहाँ पे रॉक टनल है और ये सामने वहाँ पे ढाबा है। तो जब मैंने यहाँ पे एंट्री किया था ना, तो वो टाइम पे फ़ोटो खींचने का कोई भी नहीं था, तो मैंने वो भाई को कहा कि यार प्लीज़ यार मेरा फ़ोटो खींचने लगे यहाँ तक आ जाओ, क्या है ना थंबनेल वगैरह भी थोड़ा अच्छा रहना चाहिए ना, तो वही क्लिक करना था। तो भाई वहाँ से अपना ढाबा छोड़ के यहाँ पे आ गए थे फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो मैंने भी क्या सोचा है ना, सुबह मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, कल रात को 8 बजे कुछ खाना खाया था, भूख तो बहुत लगा है, तो ब्रेकफास्ट जो करना है वो यहीं पर कर लेता हूँ उनके ढाबे पर, उनका भी कोई धंधा हो जाएगा, मेरा भी पेट भर जाएगा। आज के ब्रेकफास्ट में हम खाएँगे मैगी 50 रुपीज़ में, ये मैगी मिला है मुझे वो भी 2 पैकेट। और पहाड़ पे मैगी खाने का है ना एक अलग ही मज़ा है, पर ज़्यादा खाओगे तो सजा है, क्योंकि इसमें होता है मैदा, तो कभी कभी खाना ही सही है, हर दिन मैगी खाओगे तो सही नहीं है। और मैगी का ऑर्डर देने का पहले मैंने भाई को पूछ लिया था कि इसमें आप क्या क्या डालोगे, तो उन्होंने कहा कि प्याज टमाटर गोभी और भी 2-3 चीज़ें कुछ डालने वाले थे, तो मैंने उनको कहा नहीं बस प्याज और टमाटर ही डालना, क्योंकि कभी भी क्या होता है ना वो मैगी में बहुत कुछ डाल देते और देखने के लिए बस अच्छा लगता है पर टेस्ट में कभी कभी नहीं मज़ा आता है, तो टमाटर और प्याज के साथ मैगी खाने का अलग मज़ा है। इस टनल का जैसा रॉक टनल नाम है वैसे और भी नामों से इसको जाना जाता है, जैसे कि इसको किन्नौर गेट कहते हैं, और भी एक दो नाम है। अभी वो जो ढाबे में रुका था उन्होंने कहा था, अभी मैं भूल गया हूँ, और जो ढाबा था जहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट करने रुका था उसका नाम क्या था पता है ढाबे का, बेवफा ढाबा। माता जी का मंदिर है यहाँ पे, दुर्गा माता की जय। चलो जी राइड बस अच्छे से हो जाए, एडवेंचर आज से चालू होने वाला है। ये एक रूट मुझे बहुत पसंद है, ये पहाड़ के नीचे बराबर रोड है, देखो यहाँ पे छाव देखो कितना है, क्या काम किया यार, ये देख लो सलाम है यार, सलाम है उन लोगों को जिन्होंने ये इतना भारी वाला ऐसा रोड बनाया, वो भी पहाड़ों के बीच में, यहाँ से छाव भी है, बारिश से भी बच सकते हैं। ऐसा कोई जगह आएगा ना यार तो कैमरा ना बंद करने का दिल ही नहीं करता, ऐसा लगता है कुछ बात भी ना करूँ ना तो भी बस वीडियो चालू रखूँ जो कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ट्रकों का पूरा जाम लगा हुआ है, एक के पीछे एक, देख तमाशा देख। फाइनली वो देखो सामने है, आपको यहाँ से नहीं दिखा शायद से, तो स्नो माउंटेन्स दिखना चालू हो गए अभी। नीचे है सतलुज डैम, बहुत ही बड़ा सा डैम है, और ये ही डैम आगे जाके और एक डैम को कोई मिलता है, और वो सामने वहाँ पे वाटरफॉल भी है। पीछे ना एक ऐसा ही जगह था पार्किंग के लिए, तो वहाँ पे एक ट्रैवलर लगा था ऐसा, और 20-25 लोग थे, उन लोग मस्त खाना खाने के लिए लाइन से बैठे थे। यही मज़ा है ट्रैवल का, असली मज़ा यही है सबके साथ, ऐसा बाहर जो हम खाना वीना खाने बैठते हैं ना इतना मज़ा आता ना ऐसा सब चीज़ें करने के लिए। लास्ट टाइम यहीं पर रुके थे हम लंच करने के लिए, पहचाना लास्ट ईयर एक्टिवा लेकर 3 लोग थे ना हम लोग, तीनों भी स्कूटर ही था, वही यहीं से जा रहा था, सोचा चलो आपको मिल के जाता हूँ। बाकी सब बढ़िया, चलो सही है। हाँ सही पकड़ा, टूरिंग लाइफ। हाँ सही। देखो भाई ने भी सब्सक्राइब करके रखा, देखो देखते हैं वीडियो, क्या बात है। यहाँ पे ब्रेक लेने का सोचा नहीं था, बस भाई को मिलने के लिए आ गया था, तो भाई ने कहा कि चाय भी पीकर जाओ, और अभी यहाँ पे लग रहा है अपना स्टिकर, यहाँ पे जेएस पाजी का भी स्टिकर लगा हुआ है, और ये लग गया जी अपना स्टिकर टूरिंग लाइफ, यहाँ पे जेएस पाजी का, बहुत बढ़िया। तो सतलुज डैम के जैसा आ गया हो गया आप, तो आपको वांगतू लगेगा, तो वांगतू में अपने जो बा है उनका एवरेस्ट ढाबा करके है, यहाँ पे जरूर रुक के जाना। अभी 12 बज चुके हैं, अब तक 56 किलोमीटर का राइड हुआ है, मैं एकदम आराम आराम से राइड कर रहा हूँ, मस्त ब्रेक ले रहा हूँ,
अब ये सब जगह पे एकदम घाई घाई में राइड करके मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा रुक रुक के जाने का मस्त नेचर का आनंद लेके, जैसे कभी एवरेज ढाबा अपना था वहाँ पे रुके थे तो वैसा ही है। वो भाई को मिले, उनको भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। और ये देखो कैसे आराम आराम से चल रहे हैं साथ में। ये ऐसा ही अच्छा रोड अभी है ना, सांगला तक रहेगा, उसके बाद में ऑफ रोड मिलेगा। ब्रिज के नीचे रिवर है, पानी का फ्लो क्या है यार। ये पहाड़ पे ग्रीनरी देखो, और वो रहे सामने स्नो माउंटेन्स। सांगला यहाँ से 18 किलोमीटर है, चिटकुल यहाँ से 42 किलोमीटर। अभी यहाँ से लेना है राइट, और फिर ये राइट लेके ये लेफ्ट लेना है। ये छोटा सा शिव मंदिर है, इसकी स्थापना है 25/9/2014 का। शंभो शंभो ओम नमः शिवाय। चलो ये देख लो जी, सामने से रिवर जा रहा है, और खाई देख लो, बहुत ही ज़्यादा हाइट पे हुआ अभी। जय माँ शेरावाली। ये आ गया जी सांगला का पेट्रोल पंप। अभी यही 1 किलोमीटर पीछे मैंने एक ब्रेक लिया था आधे घंटे का, गोपुर का बैटरी भी चेंज करना था, और यही से आगे 3-4 किलोमीटर बाद में नेटवर्क जाएगा, कोई भी सिम कार्ड को नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। तो घर पे मैंने फ़ोन कर दिया, घर पे बताया कि नेटवर्क में नहीं रहूँगा कल सुबह तक, ताकि उन लोग भी टेंशन ना ले। सेवन किलोमीटर का राइड बचा, चितकुल के जैसा ऐसा पास हो रहा ना वैसा वैसा ठंड इतना बढ़ रहा है ना, और ठंड बढ़ेगा ही यार। फिर सामने के पहाड़ तो देख लो, इतना स्नो रहेगा तो कैसा ठंड नहीं लगेगा। ये सामने का नज़ारा देख लो, स्नो माउंटेन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ग्रीनरी मस्त, बड़े बड़े पेड़ है, और बीच में से ये रूट जा रहा है, भारी यार भारी। हम आ गए जी चितकुल, इंडिया लास्ट विलेज। अभी मुझे फोटो भी क्लिक करना था, तो ये सब मिल गए, तो इनसे फोटो क्लिक कर रख लिया। बाय बाय, थैंक यू। अभी क्या अकेले रह गए तो यही है, सेल्फी ले लेके कितना लेंगे, पूरा भी तो दिखना चाहिए हम। ये अपना बगीरा भी आ गया जी हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे पे, इंडिया लास्ट विलेज चितकुल। हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा जो है वो ये देखो, ये नीचे, यहाँ से हमको नीचे जाना है। ये रहा नीचे ढाबा। हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग, भारी अपन भी ले भारी। तो रूम भाइयों ले लिया है, सबसे पहला आपको दिखाता हूँ मैं रूम टूर। ये देख लो जी, एक छोटा सा एक कमरा है हमारा, पर बहुत ही प्यारा है। बस एक ही दिक्कत है कि लाइट अभी गया है, पर जल्दी आना चाहिए क्योंकि गोप्रो का बैटरी वगैरह भी चार्ज करना है, कल भी हमको राइड पे निकलना है। तो यही कुछ अपना छोटा सा कमरा है आज का, बाकी व्यू तो इतना यहाँ से कोई खास नहीं है, बस यहाँ से थोड़े पहाड़ वगैरह तो दिख रहे हैं। ये देखो जी, और ये रहा जी वॉशरूम, मस्त बड़ा सा। बाकी मैंने 2-3 होटल देखे, पर हर एक का रेट 1500, और ऐसा भी नहीं कि 1500 में अगर हमको डिनर दे रहे, ब्रेकफास्ट दे रहे, बस रूम का 1500। सोलो राइड पे यार इतना देना मुझे सही नहीं लगता है, तो 700 रुपये में ये बहुत ही बढ़िया। वैसा भी क्या रात को सो जाना है, कल सुबह फिर से निकलना है। अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ ना कि हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा तो आपको मैंने दिखा दिया है, मैंने भी देख लिया है, फ़ोटो भी खींच लिया है, पर अभी इतना लंबा आए है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा है, तो वहीं पर ही लंच कर लेता। वैसा भी आज मैंने लंच किया नहीं, वही यादें बनाते जाने का, यही सब वीडियो में बाद में कभी कुछ साल बाद देखूँगा, तो यही मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो अभी चलते हैं लंच करने के लिए। चितकुल में ठाकुर गेस्ट हाउस है, वहाँ पे मैं रुका हूँ, और ये रहा अपना बगीरा। तो आ गया हूँ ढाबे पे, अभी ये नीचे उतर के तो आ गया हूँ, अभी खाना के रिटर्न जाऊँगा ना, तो ऊपर चढ़ते चढ़ते खाना पूरा हजम हो जाएगा। खाने में क्या मिलेगा, थाली है, थाली नहीं है, थाली कैसा है, थाली कैसा है, दे दो एक थाली। तो आज खाएंगे जी वेज थाली। अभी यहाँ पे टेबल तो बहुत सारे हैं बैठने के लिए, पर कैसा ये सब पैक किया है ना साइड से, तो मैं यहाँ पे बैठ के खाऊंगा मस्त एकदम, सामने का व्यू देखते देखते, क्या बात है जी। ये आ गया जी हमारा वेज थाली, तो खा के लेता हूँ पहला, बहुत ही जोरों का भूख लगा है, सुबह जो ब्रेकफास्ट किया था उसके ऊपर ही अब तक। लंच करके अभी होटल में आ गया हूँ,
आज का जो अपना किलोमीटर है राइड का वो हुआ है 119 किलोमीटर। सुबह 8:30 बजे मैंने शुरुआत की थी रामपुर से, यहाँ पे आने के लिए मुझे 3 बजे चितकुल में 6.5 घंटे का अपना राइड हो गया। उसमें भी मैंने अच्छा खासा ब्रेक वगैरह लेके आया आपको तो पता है, तो वही हिसाब से भी बहुत ही अच्छा राइड रहा। और बाकी सांगला वगैरह से थोड़ा आगे आने के बाद में जो नज़ारे दिखे, जो स्नो माउंटेंस दिखना चालू किया ना, ये देख लो जी, यहाँ का तो मैंने आपको बताया नहीं नज़ारा कुछ। ये देख लो, ये देख लो, यही मेरा रूम है। तो बस भाइयों, आज का ये जो राइड था वो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। और थोड़ा अच्छा लगा हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे पे कुछ खा के, लास्ट टाइम आया था तब कुछ भी खाया नहीं था, बस वही पिक्चर वगैरह क्लिक किए थे, ब्लॉक किए तो निकल गया था। ये टाइम थोड़ा खा पी के भी आ गया। बाकी बस आपका जो सपोर्ट मिल रहा है स्पीति राइड पे बहुत अच्छा मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखना। बहुत अच्छा लगता है जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट आते। और जो इसके पिछले वाला वीडियो था, इसके पिछले वाला नहीं, इसके पिछले के पीछे वाला मतलब एपिसोड 3, उसमें जो मरते मरते बचा था वो टाइटल भी डाला था मैंने, और वैसा कुछ हो भी गया था, थोड़े के लिए बचा था मैं, तो उसमें भी आप लोगों के इतने सारे कमेंट है ना भाई, हम लोग की दुआ है आपके साथ में। तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है कि इतने भाइयों का प्यार है तो हमको कुछ नहीं हो सकता यार। तो बस ऐसे ही प्यार बनाए रखना भाई के साथ में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा फॉलो करना, ये जो सामने मेरा इंस्टा आईडी है। तो मिलते हैं भाइयों इसी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।